राज्यसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों में नेताओं की दावेदारी बढ़ती जा रही है। गठबंधन सरकार में अभी यह भी तय नहीं हो पाया है कि पहली वरीयता राज्यसभा के उम्मीदवार किस कोटे के होंगे। वहीं कांग्रेस के नेता अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस से पिछली बार राज्यसभा के उम्मीदवार रहे शहजादा अनवर फिर से एक बार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए, पार्टी के हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता हैं, लेकिन विगत लोकसभा चुनाव में ये अंडरस्टैंडिंग थी और ऑफ द रिकॉर्ड ये अंडरस्टैंडिंग थी समझती यूपीए में कि कई कारणों से लोकसभा चुनाव में किसी मुस्लिम अकलियत को टिकट नहीं दिया गया था। ऑफ द रिकॉर्ड ये अंडरस्टैंडिंग थी कि राज्यसभा में किसी मुस्लिम अकलियत को मौका मिलेगा। पिछली बार विगत राज्यसभा चुनाव में हमको मौका मिला था, लेकिन आंकड़े सर्वविदित थे कि उस आंकड़े में चुनाव जीतने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर थी। अभी जो वर्तमान समय में राज्यसभा का चुनाव जो होना है उसमें एक सीट के लिए आंकड़ा सत्ताधारी पक्ष के पास में है, तो न्याय और इंसाफ का ये तकाजा है कि राज्यसभा में जो ड्यू है मुस्लिम अकलियत को झारखंड से भेजा जाना चाहिए। और जब हारने के समय में कैंडिडेचर हमको बनाया गया तो अब जो संभावना जिसमें जीत सुनिश्चित उसमें हमको मौका मिलना चाहिए। वहीं इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर पार्टी आलाकमान उम्मीदवार तय करेगी। देखिए, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, ना ही अब तक उन्होंने मुझसे ये इच्छा जताई है। हम जितना समझते हैं कि पहले ये गठबंधन में तय होगा। गठबंधन में तय होने के बाद हम लोग तीन नाम भेजेंगे, उस पर क्या आलाकमान की सहमति मिलती है उस पर सारी चीज़ें निर्भर करती है। इसमें कहीं कोई जात, कोई धर्म, ये सारी चीज़ें आड़े नहीं आती है। किसको प्रेफरेंस देना है, किसको नहीं देना है, बहुत सारे एंगल होते हैं देखने के। वो हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी तय करेंगे कि किसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, वो देखना उनका काम है। हमारा काम है हम उन तक नाम पहुँचाने का, निश्चित रूप से जो लोग दावेदारी करेंगे, जिनका हक सही का बनेगा, उनको मौका मिलेगा। रांची से न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।